सिंह। पुंछ जिले के मेंधर सब डिवीजन में साबिक एमएलए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जावेद अहमद राणा ने अपनी रिहायशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि 370 हटाए जाने के बाद तरक्की के दावे से हम इनकार करते हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी सतह पर हालात कुछ और हैं। उन्होंने पीर पंचाल इलाके को बैकवर्ड के दर्जे की मांग की। वो ये रहेगा कि हम ये डिमांड करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिलखसूस मैं मोदी साहब को और जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनको, उनकी मुख्तलिफ तकारीरें जो उन्होंने हाउस में की, पार्लियामेंट में की और मीडिया के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए जो हमारे सामने आई, वो उनका ये कहना रहा है कि सबका साथ सबका विकास। और उन्होंने ये बात भी बावर करवाने की कोशिश की, हालांकि इसमें कहां तक हकीकत है ये आप सब लोग जानते हैं कि अर्शवाल जम्मू कश्मीर दफ़ा 370 तोड़ने के बाद, 35 से तोड़ने के बाद यहां डेवलपमेंट हुई है। और यहां जो उन्होंने अमन लाने की कोशिश की है और यहां तामीर और तरक्की के कामों में सुरत लाने की कोशिश की है। मैं मकमल तौर पे जम्मू कश्मीर के लोग और खिताए पीर पंजाल के लोग इस बात को नकारते हैं और इस बात को कंडेम करते हैं कि उनके इस कोलो फेल में तजाद है और ये बात हकीकत से बईद है, हकीकत से कोसों दूर है। हम ये जिक्र करेंगे, मैं मुख्तलिफ जो हमारे साथी हैं इनसे मशवरा करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हम ये डिमांड करें कि हमारा रीजन जो है वो एक बैकवर्ड रीजन है और ये हमेशा ये सफर रहा है 1947 से लेकर आज तक, सीज फायर वायलेशन का शिकार रहा है, पैसिड की जंग 1947 की जंग और प्राक्सी वार का शिकार रहा है। हम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड करेंगे कि इसको बैकवर्ड रीजन विद स्पेशल जो स्टेटस है बैकवर्ड रीजन का, वो इसको दिया जाए खिताए पीर पंजाल। जिला सांबा के थाना रामगढ़ के तहत गांव गढ़वाल से जुमेरात की शाम गांव के करीब एक गाड़ी से मुश्तबा हालत में एक शख्स की लाश मिली। गांव के लोगों ने पुलिस को इत्तला दी कि उनके गांव के करीब एक गाड़ी काफी देर से पड़ी है, जिसमें एक शख्स मुर्दा पड़ा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर तफ्तीश शुरू कर दी। मौके से शवाहिद इकट्ठा किए। मुतवफी की शिनाख्त अवतार कृष्णा के रहने वाले सुफवा सांबा के तौर पर की गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। जिला रामबन के सब डिवीजन गोल की पंचायत मोसवांध में डीडीसी गोल्ड दारम की सरबराही में एक इजलास मुनाक्कित किया, जिसमें अलग अलग महकमजात के मुलाजमीन और मकामी लोग मौजूद थे। इलाके में बुनियादी सहूलियात के फुकदान को लेकर डीडीसी गोल्ड दारम पंचायत नुमाइंदगान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इस वक्त हमारी सबसे बड़ी मांग है सड़क का काम जल्द शुरू करवाया जाए। उन्होंने कहा कि अफसोस का मकाम है कि 2013 में पीएमजीएसवाई के तहत सड़क का काम शुरू किया गया था, मगर आज 12 साल गुजर जाने के बाद भी सड़क मुकम्मल नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि महकमा पीएमजीएसवाई ने सड़क का मुआवजा भी जमींदारों को दे दिया है, मगर सड़क का ख्वाब अभी भी लोग देख रहे हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल इन एक ही इस पंचायत के अंदर है, मासवा डिहडा से काफी सारे तुलबा व तालबात जो है 8वीं स्कूल क्लास के बाद जो है स्कूल इन में जाते हैं। यहाँ पे दो ब्रिजेस बने थे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक तो 2014 के फ्लड में उड़ गया, अभी तक उसको जो है रिपेयर नहीं किया गया। उसके साथ में एक ब्रिज है जिसके खाली पिल्लर दोनों साइड बने हैं, उसका स्लैब बैलेंस है। उसके साथ साथ यहाँ जो एक मिडिल स्कूल है उसकी दीवार पीछे से गिर गई है, उसकी हालत खराब है। पी एम जसवाई रोड जो है बहुत टाइम से जो है ठप पड़ा है, उस पर काम नहीं चल रहा है, उसका जो है बुरा हाल है। उसका ब्रिज का काम नहीं चल रहा है, इरीगेशन कूल है, एक मासवा एक जो सिम नाले से इंद जाती है वो पेंडिंग पड़ी है, उनका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है जब से वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। पानी के मुद्दे हैं, बिजली के मुद्दे हैं। बिजली का अगर आप यहाँ निज़ाम देखोगे तो जगह जगह आपको तारे जो है पैर पौधों के साथ लटकी हुई दिखेंगी। तो इस तरह के मुद्दे जो है वो यहाँ पे जो है जेर गोर लाए गए और आला हुकाम से दरख्वास्त की गई कि भाई इन मुद्दों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और लोगों की जो मुश्किल है कहीं ना कहीं हल करवाई जाए। और हमारा
हमारा यहाँ मीटिंग आज जो पीआरआई की और लोगों की यहाँ मीटिंग बुलाने का ये मकसद था कि ये इलाका जो है दूर दराज है और हमारे डीसी साहब से स्पेशली तौर पे हम डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जो रोड की जो ब्लास्टिंग परमिशन जो कंट्रैक्टर ने आपको देनी है वो ब्लास्टिंग की परमिशन दी जाए ताकि ये रोड कटिंग करके आगे मिडिल स्कूल के पास पहुंचे और इन लोगों को फायदा हो, क्योंकि ये इलाके के लोग जो हैं ये 8 महीने लगभग यहाँ से ये पार वाला एरिया जो है इसमें रहते हैं और 4 महीने ये इस गांव में नीचे आते हैं और इनका अगर कोई बीमार पड़ जाता है उसको 5-7 किलोमीटर यहाँ से उठा के या तो डेढ़ा में ले जाना पड़ता है या उसको इंद में ले जाना पड़ता है। उसके अलावा रोड की चारों तरफ से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। तो हमारा आज ये मकसद जो था इसका और इसके अलावा दूसरा जो हमने PWD रोड जो है जो 350 मीटर जो टच करने के बगैर रह रही है, हम ये सोच रहे हैं कि उसको भी किसी न किसी हेड में जल्दी रखा जाए। हमने DDC पर्सनल फंड से भी एक रोड वहां रखी है और उसके अलावा हम जो ये बच रही है, क्योंकि जब तक इस रोड के साथ में ये PWD की रोड जो है ये कनेक्ट नहीं होती है तब तक इन लोगों को भूल जाने की कोई भी सहूलत नहीं होगी। आपको बताना चाहता हूं, मैं डेढ़ा रोड का और इस रोड का 2017 में इकट्ठा ही पैसा आया है अब तो ब्लैकटॉप, लेकिन उसमें अगर हमारे अपने कुछ प्रॉब्लम आ रही, कहीं सरदार अली के मकान का इशू आ रहा है, कहीं ब्लास्टिंग का इशू आ रहा है, तो ये तो लोकल लेवल पर चाहे एडमिनिस्ट्रेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो या PRS की बात हो, ये उनको सब सुलझाना है। यह है इन पंचायत जो है इसमें कुछ लोकल ऐसे इशूज हैं, चाहे वो लैंड का मसला हो या जिससे रोड कनेक्टिविटी नहीं हो रही।